आने वाला है समुद्र का पहरेदार। मोदी लाएंगे समुद्री सीमा के प्रहरी, हिंद महासागर की हिफाजत करेगा ड्रोन, होगी दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब। भारत ने हिंद महासागर में अपनी समुद्री संपदाओं के संरक्षण और निगरानी के लिए गश्ती ड्रोन खरीदने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स से अत्याधुनिक मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल प्रीडेटर गार्डियन यूएवी खरीदने की इजाजत मांग रहा है। इस यान के मिल जाने के बाद भारत को पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों तरफ से हिंद महासागर में अपनी समुद्री संपदाओं को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ये गश्ती ड्रोन 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है। ये लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरकर समुद्री क्षेत्र में फुटबॉल के बराबर के आकार की वस्तुओं पर भी बारीकी से नजर रख सकता है। भारत ने पहले भी अमेरिका से इस तरह के ड्रोन को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन ओबामा प्रशासन इस आग्रह को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य नहीं था। इस महीने की शुरुआत में भारत को MTCR की सदस्यता मिल जाने के बाद अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर गौर करना शुरू कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में अमेरिका भारत सहयोग के लिए अपना समर्थन जताया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ओबामा के साथ ड्रोन के मुद्दे पर चर्चा की थी, जिस पर अब पॉजिटिव जवाब मिला। अनुमान के मुताबिक भारत अगले कुछ सालों में $5 अरब से अधिक की लागत से 250 से ज्यादा यूएवी हासिल करने की आशा कर रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।